रामपुर से मॉब लीचिंग की बड़ी खबर। भीड़ तंत्र हुआ हावी, मुस्लिम युवक को हिंदुओं के गांव में बुरी तरह से मारा पीटा, गंभीर रूप से हुआ घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल युवक को बचाया। पुलिस ने 14 नामजद सहित 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 7 को किया गिरफ्तार। 307, 323, 147, 148, 149 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा हुआ है दर्ज। ये बहरा हुआ है, ये उस गांव में घूम रहा था, पहले भी आता जाता रहता था। कुछ लोगों को गांव वालों क्या सूझी, उन्होंने इसको बच्चा चोर कह करके और इसकी पिटाई कर दी है। इसका जो है मुकदमा 307, 323, 147, 148, 149 IPC के अंदर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसके पिताजी का नाम नामे अली है, जिन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। पीड़ित तो हसन अली है, हुआ और बहरा था और उन्होंने पंजीकृत हो गया है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें करीबन 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, इसमें 7 लोग गिरफ्तार भी हो गए और कार्रवाई चली। नामजद कितने थे? ये नामजद करीबन 14 लोग हैं, 14 लोग नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं। तो सर, अब वो जो युवक घायल है उसको कहीं भर्ती कराया गया है क्या? हाँ, उसको भर्ती कराया गया था, इलाज के बाद उसको दौरा ने छुट्टी दे दी। 7 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। हाँ, 7 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, अस्पताल में छुट्टी दे दी।